सो बहुत टाइम से इस चैनल पर हम बात कर रहे थे कैलेंडर स्पेड्स की। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी तक हो सकता है कोई नॉलेज ही ना हो कि कैलेंडर स्पेड्स क्या होते हैं, किस तरीके से कैलेंडर्स को ट्रेड किया जाता है। वेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज इस वीडियो में हम कैलेंडर स्पेड्स को शुरू कर रहे हैं, मतलब कि अभी और भी आपको कैलेंडर स्पेड्स पर वीडियोज मिलेंगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियोज हैं वो आप मिस ना करें। क्यों ये इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, किस तरीके से इन्हें ट्रेड करते हैं, आइए सीखते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांशु। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने विक्स पढ़ लिया कि विक्स क्या होता है, वॉलिटिटी क्या होती है, बट हमने वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि हम कैलेंडर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली समझाऊंगा कि सबसे पहले कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर आप उसके नाम से भी समझ सकते हो कि डेट्स, कैलेंडर में क्या होती है, डेट्स होती है। यहाँ पे जब हम एक नॉर्मल आयरन काउंटर बनाते हैं, नॉर्मल आयरन काउंटर, तो वो कैसा बनता है, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट है। हमने यहाँ पे एक पुट बेचा, यहाँ पे एक कॉल बेचा, उसका एक हेज बाई किया, इधर एक हेज बाई किया, और एक नॉर्मल एक आयरन काउंटर है। इसमें अगर हम देखें आयरन काउंटर बनाते टाइम हम क्या करते हैं, जिस डेट के स्ट्राइक्स हमने बेचे हैं उसी डेट के स्ट्राइक्स हम बाई करते हैं, सेम एक्सपायरी में हम ट्रेड करते हैं। पर कैलेंडर्स में क्या होता है ना, आपने अगर 25 तारीख की चीज को बेचा है तो आप आगे जाके 1 जून जैसा आएगा अपना अगला, ये वाले स्ट्राइक की चीज को बाई करते हो, मतलब आप डेट चेंज कर देते हो। सिंपल, यहाँ पे जैसे ही आप डेट चेंज करोगे आपका कैलेंडर बन जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं सेंसिबल में आपको समझाता हूँ कि कैलेंडर होता क्या है, यहाँ पे आप विजुलाइज भी कर पाओगे। हम एक नॉर्मल सा 25th मे का क्या करते हैं, एक आयरन काउंटर बनाते हैं पहले, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो आयरन काउंटर में आप एक चीज नोटिस करोगे कि 25th मे, यहाँ पे आप नोटिस करो, ये रहा 25th मे जो है, ये आपका सेलिंग स्ट्राइक भी है, सेलिंग डेट भी है, और यहाँ पे जो बाइंग है वो भी 25th मे की है। अभी देखो आयरन काउंटर कैसे बनते हैं, सबसे पहले हमने एक स्ट्रैंगल बेचा है, स्ट्रैंगल बेचने के लिए हमने आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बेच दिया, और फिर हमने उनके हेजेस बाय कर दी। इसका पे ऑफ चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, हल्का सा ऊपर करेंगे तो ठीक है, तो ये हमारा पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, पर अभी ये पे ऑफ चार्ट चेंज हो जाएगा जैसे ही हम इसे कैलेंडर बनाएंगे, आप दिखाएंगे। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो मेरे बाइंग वाले स्ट्राइक है ना उनकी डेट चेंज करने वाला हूं। 25th मे से एक डेट आगे, 1 जून हम यहाँ चले गए, ये पुट साइड हो गया। अब आपका हो गया महंगा हो गया, जैसे अभी 3 रुपए का है कॉल का, आप देखेंगे यहाँ पे अभी ये महंगा हो जाएगा, बट इसका आंसर आपको देंगे हमने ऐसा क्यों किया। अब ये देखो ये 3 रुपए का, ये 20 रुपए का हो गया। अब आप देखो ये कैलेंडर स्प्रेड है, कैलेंडर स्प्रेड में इसको यूज करने का रीजन क्या है। अब आप कई लोग पूछ सकते हैं कि मैं तो आयरन काउंटर नॉर्मली यूज कर सकते, इसको कैलेंडर स्प्रेड क्यों यूज करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। अगर आप लोअर लेवल्स ऑफ वॉलेटिलिटी पे हो, मतलब ये मान लो 15 के नीचे वॉलेटिलिटी चल रही है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपका जो आयरन काउंटर है वो एक्सपेंड कर जाएगा वॉलेटिलिटी में, आपको जहां पे प्रॉफिट मिलना चाहिए था, इवन मार्केट आपकी रेंज के अंदर भी है, ग्रीन एरिया में भी है मान लो आयरन काउंटर के, तब भी जरा सा मूव आपका बहुत सारा प्रॉफिट खा जाएगा। ये आपने कई बार देखा होगा वेडनेसडे और थर्सडे को आपके आयरन काउंटर में। पर आप एक चीज यहां पे नोटिस करो, यहां पे जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंड कर रहा है दूर जाने पे, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो आपका बाइंग का प्राइस ना, वो दूर जाने से वॉलेटिलिटी के एक्सपेंड होने से बढ़ेगा। तो आपकी यहां पे एक चीज सबसे बड़ी हो जाती है, आयरन काउंटर में आप प्रॉफिट कमाते हो जब आपके दोनों सेल अपना थीटा डीके कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तब आप प्रॉफिट कमाते हो। यहां पे क्या होता है, आप 3 लेग में पैसा कमाते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ये एक लोग समझते हैं कैंडल स्पीड यूज करने का तरीका, जस्ट इमेजिन अगर मार्केट यहां पे क्लोज हो गया इस जगह पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तो क्या होगा, कौन कौन पैसा कमाएगा। एक तो ये जो कॉल आपने सेल किया है, ये वाला, ये जो सॉरी पुट, ये जो सेल किया है ये पैसा कमाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो 18,400 का कॉल है ये भी जीरो हो जाएगा। right. ये दो चीजें तो जीरो होनी होनी है, ये आयरन काउंटर में भी जीरो होंगी। पर ये जो कॉल, ये जो पुट है आपका 17,800 का पुट, ये क्या ये जीरो होगा? नहीं, हो सकता है आपका प्राइस यहाँ पे 22 है, ये 22 का 40 भी हो सकता है उस दिन पे, क्योंकि आप एक हफ्ते पहले स्टेट को क्लोज कर दोगे, मतलब 25 मई को जब आप क्लोज करोगे और मार्केट 18,000 पे आ गया, तो क्या 17,800 जीरो होगा? नहीं होगा, बट आयरन काउंटर में ये भी जीरो हो जाता। तो इसमें क्या होता है, आयरन काउंटर में आपके जो प्रॉफिट की एबिलिटी होती है वो लूज होने लगती है दूर जाने पे। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका हेज है वो अगले वीक का है, तो वो 22 रुपए का या 23 रुपए का या 40 रुपए का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है व्यू पे, बट यहाँ पे आप इसमें जीतोगे, इसमें जीतोगे, इसमें जीतोगे। ऑफकोर्स ये पैसे लूज कर जाएगा जो आपका दूर का हेज है, बट क्या ये जीरो होगा? जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा। तो बाय द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये भी ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपए बच जाता है, क्योंकि इसको अभी 7 दिन है जीरो होने में। तो आप समझो आप एक्चुअली में चारों लेग में जीत गए। और इसमें कमाल की चीज क्या है, जब हम हेजेस लेते हैं तो हेजेस जीरो होते हैं, मतलब उसमें थीटा डीके बहुत तेजी से काम करता है। जब आप अगले एक्सपायरी पे काम कर रहे हो तो थीटा का इफेक्ट भी कम हो जाता है, थीटा डीके लो हो जाता है। तो मैं अभी ना बिल्कुल एक सिमिलर आपको एक आयरन काउंटर बनाऊंगा, इसका हम ऊपर समरी में दिखाएंगे। समरी में आप देखोगे मैंने आपको बोला था मार्जिन इसका बहुत कम होता है, यहाँ पे आपको 48,000 दिखा रहा है, ब्रोकर टू ब्रोकर होता है ये आपको 42 से 50,000 के बीच में बन जाएगी आराम से, 1/3 के हिसाब से 1.5 लाख में ट्रेड आप आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे पहुंचते हैं, मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ वीक टू वीक बेसिस पे, उसको हम एडजस्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड हमें वीक टू वीक बेसिस कितना प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अब कैलेंडर स्प्रेड के मैं 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा।
विक्स के बेसिस पे. हमने यहाँ पे तीन टाइप से विक्स को डिफ्रेंशिएट किया, क्या 9 to 12, लगभग 15 to 18, और फिर हो गया अपना 20 से 22. ये विक्स की रेंज है, ये विक्स की वीडियो में हमने देखा है, ये विक्स की रेंज है. हम इसमें एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक इसमें और एक इसमें. जो 9 से 12 है ना, हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा वीगा पॉजिटिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस एरिया में वॉल्टिलिटी के ऊपर भागने के चांसेस ज़्यादा है. right. ये चीज़ पिछले दो वीडियोज़ में हमने एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ वॉल्टिलिटी, बट यहाँ पे भी ग्रीक्स में हम देखेंगे. ठीक है. यहाँ पे हम बनाएंगे क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड, क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड. इसका रीजनिंग ये है, और इसको कब कब बनाना है, ये मैं साल में ना सिर्फ 2 महीने के लिए यूज करता हूँ क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड. वो भी इसकी वजह क्या है, पहला तो हो गया बजट. हमारा बजट मोस्टली 1 फरवरी के दिन आता है. इसकी वजह से ये ट्रेड दिसंबर के मिड वीक से लेके जैन के लास्ट वीक तक बहुत मायने रखती है, और आपको ये 7 से 8% का प्रॉफिट देके जा सकती है. इवन इस बजट में भी जिस दिन मैंने एक ट्रेड डाली थी उसमें 8% का प्रॉफिट था, एक दिन जस्ट एक दिन एक्सपायरी से मिस आउट हो गया था और मुझे वो ट्रेड बुक करनी पड़ गई थी, नेक्स्ट डे मूव आया था और मेरे 8% बन रहे थे उस दिन. तो वो भी अभी मैं करके इसमें दिखाऊंगा. इस ट्रेड को बजट डे और इलेक्शन डे, वॉर, ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे जो प्रिडिक्टेबल टाइम होता है, प्रिडिक्टेबल का मतलब है वॉर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पैंडमिक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो भी ऐसी डेट होती है जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वॉलिटिलिटी आएगी, उनके एक महीने पहले से आप क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड आराम से डाल सकते हो. सबसे पहले मैं सिंपली समझाता हूँ क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है. क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड डेफिनेशन वाइज सिंपल ये होता है कि आपने जो स्ट्राइक को सेल किया है, जिस पुट या जिस कॉल को सेल किया है, अगर आप बाइंग भी सेम स्ट्राइक पे करते हो नेक्स्ट डेट पे, तो ये कैलेंडर आपका क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड कहलाता है. ठीक है. हम क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड कब डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया, जब बहुत ज़्यादा लोअर विक्स चल रही हो 9 से 12 के रेंज की, या फिर एक डेफिनेटिव कोई इवेंट आने वाला हो. डेफिनेटिव मतलब जिसको आपको पता हो कि आने वाला है, वो सिर्फ बजट और इलेक्शन होता है. इसके अलावा अपनी RBI की पॉलिसीज होती हैं, बट RBI की पॉलिसीज का आजकल इफेक्ट कम हो गया क्योंकि बहुत रिकरिंग हो गई है. पर जो ऐसे इवेंट होते हैं बजट और इलेक्शन, इनमें भी एक महीने पहले से वॉलिटिलिटी इंक्रीज होने लगती है. तो बजट, इलेक्शन और 9 से 12 का विक्स, इन तीनों जगहों पे आप क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड डालते हो. क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड को बनाने के लिए हम एक पहले डेट चुनते हैं, जिससे मैं आपको समझा सकूं. यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, वो एरिया ढूंढते हैं जहाँ पे मार्केट में लगभग 9 के आसपास का विक्स था. जैसे ये देखो आप, इस जगह पे आप देखोगे, यहाँ पे ये है अपना 15 सितंबर के आसपास, 15 सितंबर 2021 के आसपास का ये डेट है. यहाँ पे आप देखोगे लगभग 10 के आसपास का विक्स चल रहा है. इसके बाद विक्स ने सीधा इंक्रीमेंट ही दिखाया, नीचे को कभी नहीं आया. तो हम एक काम करेंगे, क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड डालेंगे लगभग 15 सितंबर के आसपास बाई वीकली में, और देखते हैं उसमें कैसा रिएक्शन. राइट. ठीक है. तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट टॉपस्ट्रा में गए. तो यहाँ पे मैं निफ्टी में ट्रेड कटेगी, वो होगा अपना 23 सितंबर का दिन. अब यहाँ पे हम 23 सितंबर में हमें क्या बेचना है, लोअर लेवल पे विक्स चल रही है, मतलब हमें 23 रुपए के आसपास की चीज बेचनी है, 23-24. ये हमने लिया लगभग 11:30 बजे. ठीक है. ऑप्शन चेन में गए, सीधे यहाँ पे जाके देखना है, ये रहा देखो 21 रुपए का ये रहा मिला हमें. हमने इसको सेल किया 36 लॉट, सिंपल. इधर की तरफ भी गए, हम प्राइस देखते हैं कॉल में 18-25, ये 25 का सेल कर दिया हमने, सिंपल. ठीक है. क्लासिक कैलेंडर का सिंपल मीनिंग होता है सेम स्ट्राइक, मतलब 17,000 का पुट हमें बाई करना है 23 के अगले वाले एक्सपायरी में. तो मतलब 30 सितंबर पे हम सीधे बाई करने वाले हैं क्या, 17,000 का पुट. तो ये हमने ओपन किया 17,000, ये रहा हमने इसको बाई कर दिया 36 लॉट ही. इस तरफ हमने कॉल में क्या सेल मारा है, 17,700 का कॉल. तो ये हम गए 17,700 का कॉल बाई कर देना है हमें, ये रहा. तो हमने जो बेचा था हमने वही खरीद लिया. करेक्ट है. अब एक बार बताओ, ये देख के कितना बुरा लग रहा है, ये ट्रेड आपको लगेगा कि ट्रेड बिल्कुल ही वेस्ट है, हमें इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, सब कुछ. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस ट्रेड के अंदर. सबसे पहले तो हमें नोटिस करना है कि मिड में लॉस कितना है. ये आपको मिड में 50,000 का लॉस दिखा रहा है. right. ये चीज को याद रखना है जब मैं इसको अभी एडजस्टमेंट करके समझाऊंगा कि इसमें कितना फर्क पड़ने वाला है. 50,000 का लॉस है इस वक्त. पर हमने ये चीज देखी कि हमने इसको वीगा नेगेटिव, मतलब लोअर वीगा पे इस ट्रेड को डाला है. ठीक है. ये ट्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और वीगा अगर बढ़ा, तो हमें इस चीज पर नजर रखनी है, क्या ये मिड का लॉस गायब होता है. विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड हमें कुछ मतलब नहीं मार्केट में क्या चल रहा है. अब मैं अगर सेम चीज को एक दिन आगे बढ़ा दूं, ये ट्रेड हमारी बन गई, क्लासिक कैलेंडर है, ये दिखने में बहुत बुरा होता है, बट इसके सिर्फ दिखने पे नहीं जाना है अपने को. नेक्स्ट डे जैसे ही मैं करूंगा, आप अभी देखोगे आपका जो लॉस था मिडिल का अभी भी 51,000 रुपए है, कुछ भी नहीं हुआ. आपको ओवरऑल लॉस 3,500 रुपए के आसपास हो रहा है, कुछ भी नहीं है. अब यहाँ पे आप नोटिस करो, कुछ भी नहीं हुआ है, आपका लॉस 51,000 से मिडिल में 37,000 कैसे हो गया. तो मिडिल का लॉस अपने आप कवर हो गया. इसमें सिर्फ एक ही रीजन है कि जो आपने बाई कर रखा होगा ना वॉलिटिलिटी में अदर साइड में कॉल, वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगा. आप देखो एक्स्ट्रा कैसे, यहाँ पे 12,000 का आपको प्रॉफिट है इस जगह पे, यहाँ 37 का लॉस है, यहाँ 21 का लॉस है, इसमें डायरेक्ट सीधे 50,000 प्लस का प्रॉफिट हो रहा है.
इसका मतलब है जो कैलेंडर में वो कॉल है ना बेचारा, वही आपकी पूरी ट्रेड को संभाल रहा है सारा का सारा। तो क्लासिक में क्या होता है कि आपने बाइंग के ज्यादा पैसे दिए होते हैं। अगर मैं आपको इसका ग्रीक दिखा दूं, आपको गेस करने की भी नीड नहीं है, इसका ग्रीक में वीगा पॉजिटिव होगा खुद ब खुद। ये आप यहाँ पे देखो 29,000 का वीगा पॉजिटिव है। अगर इसका मतलब ये कि अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती रही, इवन मार्केट मूव करे ना करे, आपको 30,000 रुपए तो सिर्फ वॉलिटिलिटी से मिलने हैं। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपकी वॉलिटिलिटी अकेले आपको बचा रही है। मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया इसमें। मैं और एक नेक्स्ट जाता हूँ, बीच का रेड पार्ट कहाँ गया? तो बीच का रेड पार्ट का जो 51,000 का लॉस था वो सीधे गायब हो गया। और यहाँ पे एक चीज किसी ने नोटिस नहीं की, मैं बैक करके दिखाता हूँ। 3 दिन बैक गए हम, यहाँ पे ये देखो रेंज अभी कितनी है अपनी, 17,800 और 16,800, करेक्ट है। 3 दिन बाद रेंज देखो 17,900 और 16,700, रेंज भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी आपके बाइंग के प्राइस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ेंगे वो रेंज को भी और कवर करते चले जाएंगे। अब ये ट्रेड सबसे अच्छी लग रही होगी लोगों को कि यार इसमें तो लॉस ही नहीं है, बहुत बड़ी रेंज है। अब इसकी रेंज अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो यहाँ पे आप देखोगे 16,700 मतलब ऑलमोस्ट 5.5% दूर है इधर का, है इधर का अपना ग्रीन एरिया। और इस साइड आप देखोगे तो ये एरिया आपको मार्केट 7% है, क्योंकि मार्केट मूव करके काफी ज्यादा, बट ये है 17,700 पे, मतलब ये कुछ 1200 पॉइंट का आपके पास सिर्फ 5 दिन का रेंज है। निफ्टी में 1200 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 5.5% आपने कवर कर लिया और आपने ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया और आपको 36,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये चीज आपको देखना है कि 12 लाख के हिसाब से 3% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, क्योंकि इसमें तो 40,000 रुपए लग रहे हैं, 36 लॉट भी किए तो आपको यही कुछ कितना 12-13 लाख रुपए लगेंगे, आपको 36,000 मिल रहे हैं, मतलब 3% का प्रॉफिट हो रहा है बिना किसी एडजस्टमेंट के। मैं और एक आगे जाऊं, 23 तारीख को खत्म है ना, आपको 50,000 मिल रहा है, पूरा एरिया रेड गायब हो गया है, बीच में ग्रीन उल्टा आ गया है। इसका मतलब आपने वॉलिटिलिटी से कितने रुपए कमाए ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। आपका रेड एरिया गायब हुआ है और अब आपको मिड में 30,000 और मिल रहे हैं, तो आपने सिर्फ वॉलिटिलिटी से कितने रुपए कमा लिए इस ट्रेड में, ये आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना है। क्या बात, आपको मिड में आप 30 मिल रहे हैं, आपका टोटल 50,000 हो गया लोग, जो कि लगभग 4% आपको प्रॉफिट हो रहा है। 21 तारीख को अगर हम गए, आपके मिड में 40-50 मिल रहे हैं सेंटर में। अब मैं अगर कोई मुझसे पूछे ट्रेड होल्ड करोगे, मैं बोलूंगा आंख बंद करके 100%, क्योंकि दोनों साइड प्रॉफिट है। 17,400 से 18,000 उसको जाने में टाइम लगना है, ठीक है। 17,400 से उसको 16,700 जाने में कितना टाइम लगना है, 700-700 पॉइंट मेरे पास रेंज है, मैं क्यों डरूंगा कोई ट्रेड काटने से। अब यहाँ पे सीधे हम एक दिन और आगे गए, मार्केट ऊपर गई, मेरे को 72,000 मिल रहे हैं, लगभग 6% ऑफ मार्जिन। और एक दिन लास्ट दिन बचा 1,04,000, ये ऑलमोस्ट 7% क्रॉस कर गया विदाउट अ सिंगल एडजस्टमेंट। सिर्फ एक चीज है जो इसमें नोटिस करनी है, क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड आपको तभी डालनी है जब आपको पक्का पता हो कि वॉलिटिलिटी बढ़नी है। और पक्का पता सिर्फ आपको तब होगा या तो 9-10 की वॉलिटिलिटी चल रही हो, और या तो 15 दिन बाद 20 दिन बाद कोई डेफिनेटिव इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट, इलेक्शन या फिर 9-12 की विक्स। That's it. इन तीनों में अगर आपने क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड डाला है, आपको कुछ सोचने की नीड ही नहीं है कि आपको कुछ भी करना है। इवन मैं आपको इसमें एडजस्टमेंट बताऊंगा, वो भी नीडेड नहीं है। एडजस्टमेंट के बिना ही ये ट्रेड खुद में ही एक सक्सेसफुल ट्रेड है। पर इसकी एक लिमिटेशन है कि ये साल में सिर्फ 2 महीने यूज हो सकती है, क्योंकि उसके अलावा आपकी वॉलिटिलिटी ना 13-17 की रेंज में बहुत टाइम रहती है, 6-7 महीने रहती है, तो उस टाइम पे ये ट्रेड डल ही नहीं पाएगी। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि ये ट्रेड को आप मिड दिसंबर से लेके जैन के लास्ट वीक तक कभी भी डाल सकते हो। लास्ट वीक भी क्यों, क्योंकि जैन का जैसे ही लास्ट वीक आ जाएगा वहां पे वॉलिटिलिटी पीक पे जा चुकी है, क्योंकि बजट बस अब 2 दिन बचा है, उसके बाद तो वॉलिटिलिटी गिरनी है। क्योंकि बजट जैसे ही बाहर आया सबका फियर और जो कंसर्न था कि बजट कैसा होगा सब खत्म है, तो डर खत्म, तो अब वो जो पीक पे वॉलिटिलिटी है वो गिरने लगेगी। इसीलिए बजट डे के दिन मिड डे में ऑप्शन सेलर एक्टिव हो जाते हैं, उसके पहले ऑप्शन सेलर को लॉस हो रहा होता है। आप जाके देखोगे जो ऑप्शन सेलर है, आप अपना जाके एक पेनल का जाके चार्ट देखो, वहां पे आपने जनवरी में लॉस किया होगा अगर आप डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर हो, और आपने फरवरी में बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, इसका रीजन वॉलिटिलिटी है। तो यहाँ पे कौन जीत गया, वीगा पॉजिटिव वाला बंदा जीत गया। यहाँ पे अब जाके आप ग्रीक्स देखोगे, वही 29,000 का ग्रीक जो डेली मिल रहा था वो 40 पे जाके पहुंच गया, राइट। तो आपने यहाँ पे ओवरऑल मतलब ओनली सिर्फ मैं ग्रीक की बात करूं, आपने लगभग 90,000 रुपए इससे कमाए वॉलिटिलिटी से, right। वो 90,000 रुपए वॉलिटिलिटी के ही हैं। थीटा डीके से आपने सिर्फ पता है कितने रुपए कमाए, कमाए नहीं है, लगभग 4,000 रुपए गवाए हैं। आप नोटिस करो यहाँ पे, ये रहा, आपने एक में 35,000 रुपए कमाए, एक में 39,000 रुपए गवाए, आपको थीटा डीके से -4,000 चल रहा है। आप नीचे देखोगे यहाँ पे तो ये 57,000 रुपए का लॉस है, ये भी जीरो नहीं हुआ होगा अभी तक, यहाँ पे 1,64 मिल रहे हैं। इसका मतलब जो कॉल था कैलेंडर का उसने आपको सारा प्रॉफिट उसी जगह से मिला है। तो ये चीज हो गई क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड।
ये चीज को आप आराम से, मैं आपको कभी हम इसको लाइव ट्रेड करके भी दिखा देंगे अगर बजट या फिर नेक्स्ट बजट के पहले, या फिर कभी 9 से 12 की विक्स चल रही है जैसे अभी भी चल रही है, आप इसको अभी भी डाल सकते हो, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसमें एडजस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि अगर आप सही हो विक्स की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ती जाती है, वॉलिटिलिटी से प्रॉफिट भी होता जाता है, और आपको सोचना भी नहीं है, लगभग 5-5% दोनों साइड सेफ हो, कोई टेंशन नहीं आपको। तो यहाँ पे क्लासिक कैलेंडर स्प्रेड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब जो मैंने ऑल वेदर स्ट्रेटजी बनाई है, ऑल वेदर मतलब 9 से 12 का विक्स चले, 17 से 20 चले, या 20 से 22 चले, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड, वो मैं आज भी यूज करता हूँ, इवन मैंने उसको ऑटोमेट कर दिया एल्गो पे, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, प्राइस डालना है, बूम। लास्ट में एक नॉर्मल पॉइंट बताता हूँ जो आपको समझ नहीं आया होगा, ना आपने नोटिस किया होगा, इवन मैं भूल गया बताना। आप एक चीज़ देखो कि मार्केट ना लगभग 17,300 के आसपास था जब हमने ट्रेड स्टार्ट करी थी, उसके बाद इस वक्त मार्केट 17,800, लगभग 500 से प्लस पॉइंट मूव कर गया है, एक भी बार हमें लॉस देखने को नहीं मिला मार्केट में, और इस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट 8% ऑफ मार्जिन देने को रेडी है। ये चीज़ क्लासिक कैलेंडर के अंदर ही हो सकती है, मार्केट कोई मर्जी मूव कर ले, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, आपको लॉस दिखेगा ही नहीं, ये इसका मेन पॉइंट है, प्रो टिप की तरह ले सकते हो। मैं क्लासिक कैलेंडर पे इतना ज्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ 2 महीने इसको करने वाले, 2 भी नहीं, इवन साल में 1.5 महीने हम जो अपना सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं वो है बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड। बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड एक इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है जो बिल्कुल ऑल वेदर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या विक्स चल रही है, कुछ नहीं, हम उसमें एडजस्टमेंट भी सीखेंगे और सारा कुछ, पर अगले वीडियो में। एक चीज मुझे रिमाइंड करनी है कि आपको ये याद रखना है कि हमने विक्स के थ्रू चीजों को अलग अलग किया था, जैसे कि 9 से 12 विक्स चल रही है तो क्लासिक कैलेंडर, अगर 13 से लेके 16 की विक्स चल रही है तो बैलेंस कैलेंडर बेस्ट परफॉर्म करता है, करता तो वो 9-12 में भी है, और अगर आपकी 20 से 22 चल रही है तो यहाँ पे क्रेडिट रेशियो स्प्रेड आ जाता है, वो भी कैलेंडर में। इन 3 चीज़ों को डिवाइड किया, तो हमने अभी ये कवर कर लिया है, ठीक है। इस जगह पे सेलिंग प्रीमियम्स मैंने आपको क्या बताई थी कि 22 रुपये से 26 रुपये आप कोई भी जब भी सेल करो आपको ये वाले स्ट्राइक सेल करने, इसकी वजह से क्या होगा आपका स्ट्राइक का कन्फ्यूजन खत्म, आपको ये पूछना नहीं कि मुझे कौन सा स्ट्राइक सेल करना, आपको इन रुपीज़ में से जिनका प्रीमियम ऐसा वहाँ बेच दो। 13 से 16 में आप देख सकते हो कि आप लगभग 28 से 32 रुपए का कोई भी प्रीमियम बेच सकते हो, और अगर 20 से 22 चल रहा है तो आप समझ लो 35 से 38 रुपए का कोई भी प्रीमियम। और जो लोग डेल्टा के हिसाब से बेचते हैं, डेल्टा के हिसाब से आप 25 से 20 डेल्टा बेच सकते हो, कोई नीड नहीं, पर 20 डेल्टा कभी कभी ना लोअर वेक्स में बहुत पास होता है, तो आपकी ट्रेड खराब हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया कि आप प्रीमियम वाइज चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ पे क्लासिक कैलेंडर का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड को आप ऑल वेदर 12 महीने कैसे यूज कर सकते हो। क्या बात है, सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो पे आपके क्या कमेंट्स, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं, सो दैट हम उन आपकी कंफ्यूजन्स को, क्वेरीज को अगली अपकमिंग वीडियोस में कवर कर पाए। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। फाइनली हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज आपको मिलने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।